कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि। श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं माँ हूँ, धरती माँ, जिनके मन ईर्ष्या और द्वेष के घर होते हैं, वे स्वयं तो इस आग में जलते ही हैं, दूसरों को भी इस आग में जलाने का प्रयत्न करते हैं। वे स्वयं दुर्बल भी हों और कुछ कर सकने योग्य न भी हों, तो प्रयास करते हैं कि विवेकवानों में फूट पड़ जाए, वे विभाजित हो जाएं। इसके लिए वे झूठ को बार बार दोहराते हैं ताकि वो सच लगने लगे। मंथरा भी यही कर रही है, कैकेयी को बहकाने के लिए वो भड़का रही है, झूठ बोल रही है। कैकेयी अभी तक तो अचल और अटल है, पर देखना ये है कि वो स्नेह और प्रेम की भूमि पर कब तक अडिग रहती है। ना जाने कैकेयी को बुद्धि कब आएगी, दिन रात उसे ऊंच नीच समझाती हूं, किंतु राम नाम रटने के अतिरिक्त उसे कोई कार्य ही नहीं आता। धाइमा आप यहां हैं? धाइमा, पुत्र भरत पुत्र वधु मांडवी को लेकर आ रहा है, उनके स्वागत की तैयारी कीजिए। तैयारी करूं? क्या तैयारी करूं? मेरे लाख समझाने पर भी अपना सबसे मूल्यवान आभूषण चूड़ामणि तूने राम की दुल्हन सीता को दे दी। मैंने सोचा था जब मेरी पुत्रवधु मांडवी आएगी तो मैं उसका रईलुन करूंगी, और तू उसके सर पर चूड़ामणि पहनाएगी। पर तूने मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। अब बता, अपनी पुत्रवधु मांडवी को तू क्या देखी? हाय मां, न जाने क्यों आपके मस्तिष्क पर बिन कारण चिंताओं का राज रहता है। सीता और मांडवी बहने ही तो हैं, पराई तो नहीं। अरे बावली, अब तुझे कैसे समझाऊं? माना कि दोनों में बहुत स्नेह है, किंतु सत्य ये है कि दोनों की न माता एक है और न ही पिता। सीता मिथिलेश महाराज जनक की पुत्री है और हमारी पुत्रवधु मांडवी
उनके अनुज कुष्ठराज की ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता और ना ही झुठलाना चाहिए। मेरी बात मान पुत्री, तो भी इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, यही तेरे लिए अच्छा हो। देवी, आपका स्थान वहां नहीं है। मैंने तो आपकी बहनों से कह दिया था कि आप मेरी पूर्णता का चिन्ह है, इसलिए आपका स्थान मेरे हृदय में है। कदाचित मेरी छोटी बहनें आप तक मेरा उत्तर नहीं पहुंचा सकी। मैं तो केवल आपकी पूर्णता का चिन्ह हूं, किंतु आपने तो मुझे अस्तित्व दिया है। हाँ, अयोध्या पहुंचकर मुझे एक नए सत्य का भी आभास हुआ है। सत्य? मैं उत्सुक हूँ सुनने के लिए। मुझे यहाँ पहुंचकर ऐसा लगा कि मैं और मेरी बहनें केवल आपकी और आपके भाइयों की पत्नियां ही नहीं है, अपितु पुत्र वधुएं भी हैं। आपके माता पिता के प्रति ये हमारा उत्तरदायित्व है कि उन्हें क्षण भर के लिए भी ऐसा आभास ना हो कि हमने उनसे उनके पुत्र छीन लिए हैं। देवी, लोग तो कहते हैं कि मैं उनके हृदय की बात जान लेता हूं, किंतु आपने तो राम के मन की बात जान ली। तब फिर आप ये भी समझ लीजिए कि यहां दशरथ के परिवार में, रघुकुल में, स्वार्थ जैसी किसी वस्तु के लिए स्थान ही नहीं है। यहां तो केवल प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है। यहां आपको एक पल भर के लिए भी यह प्रतीत नहीं होगा कि आप यहां अनजान हैं। मंगल मिलन मुहूर्त सुहावन, राम से आप छवि है अति पावन। विधना सुंदर खेल रचायो, शुभ अवसर कै कै घर आयो। शुभ अवसर कै कै घर आयो। भरत मांडवी युगल सुहा, मुदित मंथरा बले बले जावे। मुदित मंथरा बले बले जावे। जा जा।
प्रतापी भाव, अखंड सौभाग्यवती भाव, पुत्री मांडवी, मेरा राम पर कुछ अधिक स्नेह है, इसलिए मेरे लिए सीता भी बहुत अधिक प्रिय है। किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि भरत मेरा पुत्र नहीं और तुम पर मेरा स्नेह तनिक भी कम है। तुम मेरे लिए पुत्रवधू नहीं, सदा पुत्री बनकर रहोगी। जी माताश्री, मुझे मेरे पतिदेव ने बता दिया है कि श्री राम पर उनकी कितनी श्रद्धा है। हाँ माते, मैंने मांडवी से कहा कि यदि स्वयं ईश्वर भी मुझसे आकर ये कहे कि मैं भ्राता श्री राम से प्रेम करना छोड़ दूं, तो ऐसा करने से पूर्व मैं ईश्वर को छोड़ दूंगा। और रही दीदी सीता की बात, तो माताश्री, मैं अपने पिता श्री कुशध्वज को काकाश्री केवल इसलिए कहकर पुकारती हूँ क्योंकि सीता दीदी भी उन्हें काकाश्री कहती हैं। मैंने उन्हें पिताश्री आज तक कह के नहीं बुलाया। ये शब्द तो मैंने सदैव मिथिलेश के लिए प्रयोग किया है। और सत्य बात तो ये है माते कि हम चारों बहनों के शरीर चार हैं, किंतु आत्मा आत्मा एक ही है। चलो, मैं तुम दोनों को तुम्हारे कक्ष तक पहुंचा देती हूँ। चलो पुत्री। ये तो बहुत विकट समस्या है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे अपनी पुत्री कैकेयी को केवल राम और सीता से नहीं, मांडवी से भी बचाना होगा। मुझे मुझे बहुत दूर तक सोचना होगा। हे प्रभु, संसार तो मुझे चक्रवर्ती बहुत पहले ही कह चुका है, किंतु सच पूछिए तो चक्रवर्ती तो मैं आज बना हूं, जब मेरे चारों पुत्र और पुत्रवधुएं इस राजभवन की शोभा बढ़ा रहे हैं। और पुत्रवधुएं भी कैसी, पुत्रियों के समान। महाराज की जय हो। महामंत्री सुमंद, कहिए अयोध्या में क्या हो रहा है? उत्सव महाराज, गुप्तचर से सूचना मिली है कि समस्त अयोध्या मग्न है, समस्त प्रजा पुत्रवधुओं के आने का महोत्सव मना रही है, एक ही कामना प्रदर्शित कर रही है। वो क्या? यही कि अब अविलंब श्री राम को अयोध्या का युवराज घोषित कर दिया जाए। अरे आश्चर्य, हमारे बोले बिना अयोध्या वासियों ने हमारे मन की बात जान ली? हम तो अपने मन में राम को युवराज बनाने का निर्णय बहुत पहले ही ले चुके हैं महामंत्री सुमंत। तो महाराज, फिर सोचना कैसा, श्री राम तो हर दृष्टि से युवराज बनने के योग्य हैं। अवश्य हैं। हम कल ही इस बारे में कुलगुरु वशिष्ठ से परामर्श करेंगे, क्योंकि हम किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले कुलगुरु वशिष्ठ के विचार जान लेना चाहते हैं। बहुत ही उत्तम विचार है महाराज आपका, किंतु ये भी औपचारिकता ही होगी। कुछ भी हो, किंतु ये आवश्यक है। हाँ, एक बात ध्यान रहे। कहिए महाराज। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक हमारे मन की बात किसी को ज्ञात ना होने पाए, महारानियों को भी नहीं। यही रघुकुल रीति है। जो आज्ञा महाराज। दीदी, आज उर्मिला के मुंह से माता शब्द सुनकर मेरे मन में प्रसन्नता की लहर जैसे दौड़ गई। एक दूसरे परिवार की कन्या के मुंह से माता सुनकर मुझे जो सुख मिला, वो कभी लक्ष्मण के मुंह से सुनकर भी नहीं मिला था। सच दीदी, मैं जिस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और प्रभावित भी, वो है इन चारों बहनों की आपसी एकता। जब मांडवी ने मुझसे कहा कि वो चार शरीर हैं
किंतु आत्मा एक, तो मुझे ऐसा लगा कि हम तीनों बहनों ने जो एक परंपरा बनाई थी वो हमारे साथ समाप्त नहीं हो जाएगी, हमारे पीछे भी बनी रहेगी। सत्य कहा कह गई, यही सबसे बड़ा वरदान है। एकता की भावना के बिना तो संयुक्त परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही भावना सारे परिवार को एक धागे में पिरोए रखती है। दीदी, ईश्वर करे हमारी एकता को किसी की कुदृष्टि ना लगे। हाँ दीदी। आपकी चिंता सर्वथा उचित है महाराज। अयोध्या के लिए युवराज के चयन का समय आ गया है। हाँ गुरुदेव, और मैंने तो यह निर्णय भी ले लिया है कि युवराज पुत्र राम ही होंगे। आपका क्या परामर्श है गुरुदेव? यह निर्णय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है महाराज। इसे अपनी इच्छा और मेरे परामर्श तक ही सीमित न रखें। युवराज का चयन जनता की सहमति से ही होना चाहिए, किंतु सर्वप्रथम राम से यह पूछिए कि उन्हें इस पद में रुचि है या नहीं। यदि उन्हें स्वीकार हो तो प्रतिनिधि सभा को बुलाकर जनता की राय सुनिए। आपका उत्तराधिकारी सर्वसम्मति से ही बनना चाहिए। आपके मार्गदर्शन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। मैं राम के विचार जानने के लिए स्वयं उससे बात करूंगा। यशस्वी भव। प्रीताश्री। चिरंजीवी भावपुत्र। द्वारपाल, जब तक राजकुमार हमारे कक्ष में है किसी को भीतर ना आने दिया जाए। क्या कोई अत्यंत जटिल समस्या आ गई है पिताश्री जो इतनी सावधानी बरती जा रही है? पुत्र, मैं ना तो इसे जटिल समझता हूं और ना ही समस्या। एक साधारण सी बात है, किंतु मैं ये चाहता हूं कि जब तक कोई निर्णय ना हो जाए तब तक इसकी सूचना किसी को ना मिलने पाए। किंतु ऐसी क्या बात है पिताश्री? पुत्र, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी और अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूं। क्या बात है पुत्र, तुम मौन क्यों हो गए? क्या मैं तुम्हारे इस मौन को तुम्हारी स्वीकृति समझूं? नहीं पिताश्री, मेरे मौन का कारण मेरी स्वीकृति नहीं है, केवल ये कि आपके आदेश की अवहेलना करने का साहस मुझ में नहीं है। सत्य तो यह है पिताश्री कि युवराज पद या राजपाट की कोई भी इच्छा मेरे मन में नहीं है, और फिर मेरा यह विश्वास भी है पिताश्री कि इस पद के योग्य अनुज भरत अधिक है, वो राजनीति भली भांति जानता है। पुत्र, मुझे भरत की योग्यता में तनिक भी संदेह नहीं।
किंतु तुम में एक ऐसी विशेषता है जो मेरे किसी भी पुत्र में नहीं, भरत में भी नहीं। ऐसी क्या विशेषता है मुझ में? ज्येष्ठता। तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो और परंपरा अनुसार राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। परंपरा कुछ भी हो पिताश्री, किंतु योग्यता ज्येष्ठता से अधिक महत्वपूर्ण होती है। ज्येष्ठता योग्यता का पर्याय कभी नहीं बन सकती पिताश्री। और फिर उत्तराधिकारी का चुनाव तो प्रजा की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, ये भी तो अयोध्या की परंपरा है। अयोध्या की प्रजा की इच्छा मैं जानता हूं पुत्र। गुप्तचरों ने मुझे सूचना दी है कि समस्त अयोध्यावासी तुम्हें युवराज के पद पर देखना चाहते हैं। पिताश्री, यह आवश्यक नहीं कि किसी की ख्याति और प्रसिद्धि को उसकी योग्यता का प्रमाण मान लिया जाए। जब तक मुझे संतोष न हो कि मैं इस पद के योग्य हूं, मैं ये पद स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है पुत्र, मैं कल ही जनप्रतिनिधि सभा की बैठक बुलवाता हूं, तुम स्वयं ही उनके विचार सुन लेना। पिताश्री, मुझे आप सीधे जनप्रतिनिधियों से प्रश्न करने की अनुमति दीजिए, मेरी विनती है। जैसी तुम्हारी इच्छा। रामचंद्र की राह है, मर्यादा की राह, ना सत्ता का लोभ है ना गदे की चाह। धन्य राम का त्याग है, मानवता के काज, स्वयं राम ने कह दिया भरत बने युवराज, भरत बने युवराज।